दोस्तों आईपीएल 2021 के ऊपर अब से कुछ देर पहले बीसीसीआई की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली है, जहां पर बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के नए शेड्यूल, नए स्टार्टिंग डेट और साथ ही साथ विंडो के ऊपर काफी बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि बीसीसीआई ने आईपीएल के शेड्यूल और विंडो के ऊपर कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आईपीएल के शेष 31 मैचों को बीसीसीआई यूएई में कंडक्ट करवाने वाली है और यूएई के ग्राउंड में 50% ऑडियंस को एंट्री मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आईपीएल के शेष 31 मैचों के लिए बीसीसीआई ने पूरा प्लान रेडी कर लिया है और इसके ऊपर 28 जून को बीसीसीआई की एक बार फिर से मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग से पहले कल शाम को बीसीसीआई की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है, जहां पर बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है कि कौन से तारीख से आईपीएल वापस स्टार्ट होगा और कितने दिनों का विंडो है और साथ ही साथ कितने डबल हेडर्स मैच खेले जाएंगे। तो सबसे पहले विंडो के बारे में बात करें तो 25 दिनों का विंडो क्रिएट किया गया है, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि 25 दिनों के विंडो में आईपीएल के शेष 31 मैचों को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो टोटल 25 दिनों में 31 मैच देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है आईपीएल के डबल हेडर मैचों को लेकर, जहां पर पहले अपडेट आ रही थी कि आईपीएल के शेष 31 मैचों में 10 डबल हेडर मैच खेले जाएंगे, लेकिन अब काफी बड़ी अपडेट आई है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ 8 डबल हेडर मैचों को बीसीसीआई कंडक्ट करेगी। तो आईपीएल के शेष 31 मैचों में से 8 डबल हेडर मैच खेले जाएंगे और इस बात का प्रूफ आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जिसमें साफ तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि 25 दिनों का विंडो क्रिएट किया गया है और इसमें टोटल 8 डबल हेडर मैच खेले जाएंगे। और स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो 17 से लेकर के 20 सितंबर के बीच आईपीएल को वापस से रिज्यूम किया जाएगा। तो स्टार्टिंग डेट भी रिवील हो चुका है, जिसके अकॉर्डिंग 10 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर के सितंबर अक्टूबर के विंडो में बीसीसीआई आईपीएल के शेष 31 मैचों को दोबारा से स्टार्ट करेगी और इसके लिए पूरा प्लान रेडी हो चुका है और जल्द ही बीसीसीआई यानी कि एक सप्ताह के अंदर आईपीएल 2021 का फाइनल शेड्यूल रिलीज कर देगी, यानी कि आईपीएल का नया शेड्यूल रिलीज कर देगी। तो जैसे ही आईपीएल का नया शेड्यूल आएगा, हम आपको वीडियो बना करके बता देंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।